आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बरही में पंडालों का पट खुलते ही पूरी बरही माँ की भक्ति के रंग में रंग गया है। इस तरफ दुर्गा मंदिर एवं पंडालों में हो रही माँ की आराधना व मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई पड़ रही है। वहीं आज शारदीय नवरात्रा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की गई। वहीं कोविड-19 को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन के अनुपालन करते हुए पूजा महासमिति के सदस्य लोग सतर्क हैं। पूजा में उपस्थित धनबाद रोड का पूजा समिति के अध्यक्ष सुनील साहू एवं गया रोड पूजा समिति के अध्यक्ष सिकंदर निषाद एवं भक्तिगढ़ सहित श्रद्धालुगढ़ उपस्थित थे। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। और सरकार के गाइडलाइन भी है, इसको देखते हुए आप लोग किस तरह से मना रहे हैं? सबसे पहली बात है कि दुर्गा महारानी की जय और माता का जो है ये नवरात्र जो चल रहा है, और उसके पहले आरपी भारत के संपादक अमित जी को धन्यवाद देते हुए कि माँ का इस पूजा के समय में जो चैनल के द्वारा जो है प्रकाशन करने का कार्य कर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन के दरमियान हमारे यहाँ बरही सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बरही द्वारा पूजा आयोजित है, और उसमें हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ, और लोगों को सुझाव हम लोग देंगे। हमारे इस दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष श्री सुनील साहू जी हैं, और उनके द्वारा सख्त जो है निर्देश और सुझाव दिया गया है कि हमारे इस कार्यकाल में जो है सोशल डिस्टेंस के तहत जो है मतलब पूजा संपन्न हो, और सरकार का जो भी नियम है उसको मानते हुए हम लोग मूर्ति को भी छोटा छोटा हम लोग मूर्ति बनवाए हैं, और साउंड वगैरह भी हम लोग नहीं लगाए हैं, लाइट भी हम लोग कम मात्रा में लगाए हैं, ताकि जो है प्रशासन के द्वारा ये नहीं कहा जाए कि बरही सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बरही द्वारा हमारा जो है नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। और सरकार के नियम एवं शर्त के साथ हम लोग हैं, और उसके साथ भी आज सप्तमी पूजा संपन्न आरंभ हुआ है और पटरी खुल गया है, और इसके तहत 3 दिन और हम लोग का जो पूजा होगा उसमें जो भी बरही प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और डीएसपी महोदय और थाना प्रभारी महोदय वीडियो मैडम सीओ साहब द्वारा जो भी हम लोगों को सुझाव मिलेगा उस सुझाव का हम लोग पालन करेंगे, और बरही प्रशासन के साथ हम लोग हैं, झारखंड सरकार के नियम के साथ हम लोग हैं। प्रतिमा विसर्जन कब होगी? प्रतिमा विसर्जन एकादश मंगलवार। सबसे पहले नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं, और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया गया उसके अनुरूप विधि व्यवस्था उसके अनुरूप भी काम किया जाएगा। सरकार जो पूजा में सरकार जो अपेक्षा रखती है पूजा से कमिटी से, वो संपूर्ण रूप से उसका पालन करेगी।